हेलो रेवन, तो आज हम एक्सरसाइज 2A का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ टू बाई थ्री एंड माइनस थ्री आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि 2 बाई थ्री एंड माइनस थ्री जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरोज है, तो हमको बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इसको, यहां पे ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी को हम कांस्टेंट टर्म या फिर कोफिशियंट ऑफ एक्स का पावर जीरो भी बोल सकते हैं, यानी कि ए और बी कहीं ना कहीं वेरिएबल का कोफिशियंट है, क्लियर है। और यहां पे हमको जीरोस दिया गया है, तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसी रिलेशन का यूज करना पड़ेगा जो पढ़ते आ रहे हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है। क्योंकि यहां पे कोफिशियंट और जीरोस पे बात कर रहा है, यानी कि हमको रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशियंट वाला, मतलब वही यूज करके हमको रिलेशन यूज करके सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब दो मेथड होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दो मेथड है, तो दोनों मेथड को हम बताएंगे। तो पहले जो आसान वाला मेथड है जिसको आप एग्जाम में यूज करेंगे उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेकंड मेथड को भी बता देंगे जो कि बुक में दिया हुआ है हिंट में, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो जो भी पॉलीनोमियल दिया गया है उसको हम कुछ मान लेते हैं, तो इसको हम पी एक्स एफ एक्स कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो लेट पी एक्स मान लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ठीक है। इसको हम कुछ मान लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी। अब यहाँ पे जीरोस दिया गया है, तो ये को अल्फा एक को बीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट इसको अल्फा मान लेते हैं और माइनस थ्री को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब रिलेशंस, दो रिलेशन पढ़े हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है। तो दोनों का यूज करके इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे देन वी नो दैट सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई, अच्छा बी ऑलरेडी यूज किया गया है तो यहाँ पे हम पूरा ही लिख रहे हैं ताकि कन्फ्यूज मत हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि हो जाएगा 2/3 प्लस बीटा क्या है माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7 प्लस 7 और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, ठीक है। इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3 प्लस इनटू माइनस माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन ए, एलसीएम लेंगे 3 होगा यहाँ पे 2 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन ए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, तो 2 माइनस 9 ये 9 है, ठीक है ना, 2 माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन ए, ठीक है। इसको हम 9 नहीं है, ये ए है, ठीक है। चलिए माइनस 7 अपॉन ए, यहाँ से माइनस 7 से माइनस 7 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इधर आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3, तो ए का वैल्यू मिल गया जो कि 3 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोज का यूज करके ए का वैल्यू फाइंड कर लिए, क्योंकि ए क्या था, कोफिशियंट था, तो हमको रिलेशन ही यूज करना पड़ता जीरोज और कोफिशियंट वाला, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, अब बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि सी अपॉन ए के इक्वल। अल्फा क्या है यहाँ पे 2/3 इंटू बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, गिवन पॉलीनोमियल में कॉन्स्टेंट टर्म बी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू बी, ए का वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बी आ जाएगा माइनस 6 के इक्वल, ठीक है। तो हमको ए और बी का है वैल्यू फाइंड करना था, तो ए 3 के इक्वल आ रहा है और बी माइनस 6 के इक्वल आ रहा है, बी किसके इक्वल आ रहा है माइनस 6 के इक्वल। तो ये तो पहला मेथड हुआ जिसमें हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का यूज करके ए और बी का वैल्यू फाइंड किया है, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब वो दूसरा मेथड क्या है, ठीक है, तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, उसके बाद हम दूसरा मेथड पर भी डिस्कस करते हैं। अब सेकेंड मेथड क्या है ध्यान से देखेंगे, तो पहले से दिया गया है कि 2/3 और माइनस 3
मतलब जीरोस है गिवन पॉलीनोमियल का। तो अगर 2/3 इसका जीरो है तो x के जगह पर 2/3 रखते हैं तो पूरा पॉलीनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा, इतना तो पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हम x के जगह पर 2/3 रखते हैं तो ये पी 2/3 ये रखेंगे तो पूरा पॉलीनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। पॉलीनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर 2/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 × 2/3 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ए, ये हो जाएगा 4/9 प्लस ये हो जाएगा 14/3 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा 4a/9 प्लस 14, ठीक है 14/3 है ना, प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन हमको निकल के आ रहा है इसमें दो वेरिएबल है ए और बी और दोनों का पावर 1 है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 9 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3 × 14 कितना हो जाएगा 42 प्लस 9b इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये 9 इधर से मल्टीप्लाई, 9 जो है 0 से मल्टीप्लाई हुआ था, 0 ही हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू जीरो। इसको और अच्छे सॉल्व करें तो 4a प्लस 9b इसको इधर भेज देंगे, -42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको एक लीनियर इक्वेशन मिला है दो वेरिएबल में, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। और आपको पता है कि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, यानी कि वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल है उसको सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि -3 भी इसका जीरो है, तो यहाँ से भी हमको मिल जाएगा, यानी कि p-3 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। -3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 × -3 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा a × 9 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -21 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा 9a प्लस बी, -21 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा +21। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वहां से हमको ए और बी का वैल्यू मतलब निकल जाएगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आप देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मतलब तीन मेथड होता है। पहला होता है एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खैर हट गया है। ठीक है, तो आप इसको सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि क्लास 9th में सब्सटीट्यूशन मेथड आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर करना क्या होता है कि यहाँ से हम कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से हम कर सकते हैं b को 21 ये उधर जाएगा -9 एक के टर्म में लिख दिए, यानी कि b को एक के टर्म में लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में b के जगह पे 21 - 9 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वहां से हमको a का वैल्यू निकल जाएगा। फिर जो भी a का वैल्यू आएगा उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। करना क्या है, यहां पे देखिए जिस इक्वेशन से आप वेरिएबल का वैल्यू निकाले हैं उस इक्वेशन में पुट नहीं करना है, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 9, बी का वैल्यू क्या आया है 21 - 9a इज इक्वल टू -42। ठीक है ना, अब देखिए अब ये लीनियर इक्वेशन बन गए एक वेरिएबल में, और एक वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन सबको सॉल्व करने आता है, तो वहां से आपको a का वैल्यू निकल जाएगा और a का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं आएगा 3 और -6 आएगा। तो अब फर्स्ट मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आसान था। ठीक है ना, इतना टाइम टेकिंग नहीं था, इसमें टाइम लग जाएगा। तो फर्स्ट मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। ऐसे हम बता दिए कि इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, और भी मेथड हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2011 में पूछ चुका है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करें। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो भी एग्जांपल है क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।